जब हम इनो मंगोलिया के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप विशाल खास के मैदान, पारंपरिक मंगोलियाई यूट और घोड़ों पर सवार लोगों की कल्पना करते हैं? खैर, इनो मंगोलिया में इससे कहीं ज्यादा है। इसमें शानदार ज्वालामुखीय बड़ी दृश्य भी है, जैसे जिनकी आलू की राजधानी, ओस की राजधानी और दही की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इन मंगोलिया के विविध आकर्षणों को देखने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ जुड़े। इन मंगोलिया मैं आ रही हूँ। इन मंगोलिया पहुंचने के बाद जरूर खास मैदान देखना। अभी मेरे साथ रेल गाड़ी के साथ खास मैदान का आनंद उठा लें। खास मैदान में तो जरूर घोड़ा चढ़ाना का अनुभव करना होगा, तो अभी मैं करूंगी। मैं पहुंचती हूँ उलान खाप और यहाँ इस जगह का पहला स्टेशन अभी मैं पहुंचती हूँ। यहाँ एक गांव है, नानसुन गांव, और क्या विशेषता है आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, है ना। यहाँ के बहुत ज़्यादा दीवार पर इस प्रकार के पेंटिंग मिल सकते हैं, कुछ तो लोगों के जीवन के बारे में और कुछ जानवर के बारे में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हम नजदीक से देखते हैं इस गाँव में क्या विशेषता है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस है, आप देख सकते हैं सभी। यहाँ तो टमाटर के ग्रीन हाउस है, मैं अंदर देखना चाहती हूँ यहाँ इस जगह पे टमाटर कैसे पैदा करते हैं। देखिए, ये सभी टमाटर के ग्रीन हाउस है। वाओ, क्या आपने कभी देखा टमाटर कैसे उगाते हैं? वहां फी करने के बाद यहां बेच कर सकते हैं। जैसे हम से चाय लो दो आठ छह इंच यहाँ लो वो तो अच्छे से 5 यहां 5 50 50 50 रुपए हर ग्राम। और सुनाया गया है कि देखिए विभिन्न प्रकार के टमाटर एक ही सेम दाम है, और बताया गया है कि यहाँ के लोग तो ये टमाटर बेचने के लिए हर साल में लगभग 1,00,000 यानी 10,00,000 रुपए कमा सकते हैं हर साल में ये टमाटर उगाने के लिए इस ग्रीन हाउस। और हम दूसरे ग्रीन हाउस भी देखें। टमाटर के बाद अभी यहाँ एक और एक ग्रीन हाउस है, मैं ग्रेप। वाओ, देखिए ये सभी अंगूर, अंगूर के ग्रीन हाउस, मुझे अंगूर पसंद है। 四十三，去年四十三，这个亩是不是就是7万左右？ 7万左右，只种葡萄吗？还是也种了别的？就只种啊。我 Bruce East Greenhouse 干马里克。 और वे ये अंगूर उगाने के लिए हर साल में लगभग 7,00,000 रुपए कमा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि तो यहाँ क्योंकि कुछ आप देख सकते हैं कुछ बच्चों परिवार लेकर यहाँ खुद भी कर सकते हैं, और इसका दाम लगभग 300 रुपए हर ग्राम, और सुपरमार्केट में आप लगभग 200 रुपए हर ग्राम मिल सकते हैं। देखिए, आज मैंने आपको दिखाया है ये टमाटर के ग्रीन हाउस और यहाँ अंगूर का ग्रीन हाउस। ये कौन है सब,
और इस जगह इस गांव इसका नाम है नानचुन और इससे पहले ये एक गरीब गांव था लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ तो स्थानीय लोग ये कॉर्न या टमाटर या अंगूर और वहाँ कुकुम्बर भी है और स्ट्रॉबेरी भी है ये सभी फ्रूट और सब्जी उगाने के बाद अभी उनके जीवन बेहतर हो गया है ये एक अच्छी बात है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि स्थानीय एक विशेष कलाकार है जो एक हैंडीक्राफ्ट है जो ये जानवरों के बाल के जरिए एक पेंटिंग बना सकते हैं। यहाँ मैं पहुँचती हूँ एक संग्रहालय है तो इसके बारे में जानकारी मिले। देखिए ये सभी विभिन्न जानवरों के स्किन और बाल है। क्या आपको मालूम है ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये तो स्थानीय एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है बाल पेंटिंग और ये भी चाइना के नॉन फिजिकल कल्चरल हेरिटेज में से एक है और जिसका इतिहास 800 साल हो गया है। और ये विभिन्न जानवरों के ये बाल के जरिए बनाया जाता है ये पेंटिंग और हम नजदीक से देखते हैं कैसे बनाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ हेयर सलून to the Mars। मजाक है, आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ एक वोल्केनो है और यहाँ एक वोल्केनो क्षेत्र है। सुनाया गया है कि यहाँ के वोल्केनो पहली बार लगभग 1,00,000 साल पहले फटा था और दूसरी बार लगभग 10,000 साल पहले फटा गया है और अभी आप देख रहे हैं यहाँ एक पर्यटन क्षेत्र बन गया है और इस साल के May 1st से शुरू हुआ था और अभी हम अनुभव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सभी पत्थर ये ज्वालामुखी पत्थर है मेरे पीछे सभी लेकिन विभिन्न रंग का है। ये काला रंग है और कुछ लाल रंग भी है और देखिए ये है लाल रंग और काला रंग क्योंकि ये दो बार फटा हुआ था तो अलग अलग रंग है। और आप देख सकते हैं अभी ये वोल्केनो फटा होने के बाद ये दृश्य बनाया गया है। अभी ये है यहाँ के नंबर 3 वोल्केनो है और यहाँ इस क्षेत्र में कुल 6 वोल्केनो है और अभी मैं ऊपर क्लाइम कर रही हूँ और मैं सबसे ऊपर में आपको दिखाऊंगी यहाँ का सुंदर दृश्य। कितना भीड़ है। ये उड़न खाप की रात शुरू हो रहा है।